अच्छा कंपटीटर है अपनी मार्केट में। तो इसके बॉक्स के पीछे हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का एआई कोड कैमरा, 32 प्लस 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, उसी के साथ में 12 GB 256 GB की वेरिएंट देखने को मिल जाता है हमें, और ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है। तो चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स। उसी के साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। तो बॉक्स खोलते ही हमें टीपीयू केस देखने को मिलता है, और उसी के साथ में यूजर मैनुअल, उसी के साथ में USB-C टाइप केबल, और साथ में सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये है रियलमी X3 सुपर जूम का चार्जर, जो कि सुपर डार्ट चार्जर बोलती है रियलमी से, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करता है ये। और बैटरी के बारे में बात करूं तो 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो चलिए गाइस रखते हैं इसे साइड में, और ये है हमारा रियलमी X3 सुपर जूम। तो गाइस चलिए करते हैं इसे बूट। उससे पहले मैं आपको इसकी कवरिंग हटा के बता देता हूँ ये फोन कैसा दिखता है। तो चलिए कर लेते हैं इसे अनकवर और आपको दिखाता हूँ कि ये फोन कैसा दिखता है। तो गाइस आप सामने से देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में हमें इसमें ड्यूल पंच होल देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमें Realme 6 Pro में भी देखने को मिला था। उसी के साथ में इसकी स्क्रीन साइज के बारे में 6.6 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 399 PPI की स्क्रीन है। उसी के साथ IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, और इसमें हमें 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और इसकी टच सेंसिटिविटी देखेंगे PUBG ऑन करके कि कैसी रहती है। तो गाइस और बात करें इसकी फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं स्पीकर ग्रिल, उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट। साइड के बारे में बात करूं तो हमें देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स बटन्स, और उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाता है हमें अपना पावर बटन। और मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस कि पावर बटन पे ही हमें इसमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। साइड में हमें प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी मैट फिनिश दी गई है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि नॉइस कैंसिलेशन माइक हमें देखने को मिलता है, और साइड में हमें देखने को मिलता है सिम इजेक्टर ट्रे। तो चलिए गाइस इसे कर लेते हैं बूट अप, और पीछे से मैं ये इसका IMEI नंबर निकाल लेता हूं और आपको दिखाता हूं इसकी फर्स्ट लुक, जो कि काफी अच्छी शाइनी लुक देखने को मिलती है। तो गाइस ये है हमारा Realme X3 सुपर जूम, जो कि तो गाइस देख पा रहे होंगे इसमें काफी सारे शेड्स हमें देखने को मिलते हैं, और पर्सनली मुझे काफी अच्छा लुक लगा इसका, और इसका लुक Realme X50T से काफी मिलता जुलता है। और गाइस Realme के सारे फोन्स की लुक सेम देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ हमें Realme ब्रांडिंग देखने को मिलती है, उसी के साथ में